थायराइड का पॉइंट है। अंगूठे के नीचे 2 मिनट ऐसे ऐसे। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है तो हथेली के बीच में और छोटी उंगली के ऊपर या किडनी फेलियर आजकल बहुत हो रहा है। ये मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर इसको कहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। फिर छोटी उंगली के नीचे यहाँ यहाँ हार्ट के लिए, उसके नीचे यहाँ डायबिटीज के लिए देख लो ठीक से, उसके नीचे फिर आंतों के लिए, यहाँ ये बवासीर के लिए। गला बहुत खराब हो ना, बहुत भयंकर खांसी सर्दी जुकाम हो जाए तो यहाँ ये इसको दबा लेना पूरा, ये यहाँ से पूरा है थायराइड वाला, थायराइड वाला गले वाला है, फिर ये यहाँ दबा लेना ऐसे इधर से और इधर से ऐसे पूरा, ये भाग पूरा, फिर इधर से ऐसे दबा लेना एकदम, हाथ में भी पैर में भी से एकदम आराम हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें, पहले बच्चों को टोनसिल हो जाता था, माता बहने यहाँ से ऐसे कर लेती थी, उनको बबूल की दातुन करवा दो, बस थोड़ा त्रिकुटाया सेतोपला दी बहेड़ा चूर्ण, थोड़ा प्रवाल पृष्ठ मिला के शहद से चटा दो, गला टोनसिल थायराइड ठीक हो जाता है। इतनी छोटी सी बातें मिनिमम बता रहे थे। फिर ये आँखों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, सर्वांगासन या शीर्षासन, पहली दूसरी उंगली के नीचे ऐसे दबाना, अमर के रसायन सप्ताह मृत लोह मुक्ता शक्ति उसका प्रयोग करना, दृष्टि आई ड्रॉप डाल लेना। आँखों की कैसी भी प्रॉब्लम हो, हमें एक एक बीमारी से पीड़ित हजारों लाखों ने करोड़ों करोड़ों लोगों को अच्छा किया है, उसके बाद ये कह रहे हैं ऐसे कोई ये खाली किताबी ज्ञान नहीं है। हाँ, किताबों से पढ़ करके नहीं बता रहे हम आपको, जो देखा है अपने आँखों से वो सच आपसे कह रहे हैं, अनुभूतिक सत्य, प्रत्यक्ष सत्य आपसे कह रहे हैं। पहले दूसरे उंगली के नीचे ऐसे या आँख के लिए, लास्ट में कान के लिए, फिर यहाँ बीच में, फेफड़े के लिए, या कमर के लिए ऐसे, पहले उंगली के लिए ऐसे ऐसे, ऐसे पैर में भी पहले उंगली के पीछे से यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर ये भाग, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। फिर ये किसी को शाटी का पेन हो तो ये जो चटली उंगली के पास छोटी वाली उंगली है, इसके पास वाली उंगली ये इसके टॉप पर इसकी मूल में दबा दो, साहब ऐसे यहाँ दबाओ, इसके नीचे दबाओ और इसके ऊपर दबाओ, ये है ना, इधर अंगूठी पहनते हैं ना, ये अंगूठी पहनना ठीक है, वो एक आभूषण भी है हमारे, अंगूठी पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, गले में पाजे आदि पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं, सब है, लेकिन इसके ऊपर और इसके नीचे दबाओ। कमर में दर्द चला नहीं जाता ना, एक कदम दौड़ने लगता है लंगड़ा आदमी भी, अरे हुआ क्या, चमत्कार जैसा है। इसके ऊपर ऐसे, ये किसी को भी कमर में दर्द हो ना तो इसको हार्ड कोई भी ऐसे ऐसे किसी पे रख के फिर ऐसे दबाओ, भयंकर दर्द होता है। एक बार तो ऐसे लगता है जैसे सुई से वो दियो कोई काट दिया हो चाकू से इतना, लेकिन ऐसे गोल पहने से ऐसे गोल, ये बता रहा था कमर दर्द के लिए, और कुछ नहीं तो ऐसे जोर से ताली बजा लो, इससे पूरा एक्यूप्रेशर हो जाता है, जोर से ताली बगाड़ो 2 मिनट से भी।